गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेहतमंद होंगे। अभी मैं लंच बना के खा के एंड सब काम से फ्री होके मैं भी बैठी हुई हूँ रूम में आई तो देखा बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिनकी वजह तय करना है। ये मतलब मैंने मॉर्निंग में ही धुल के बाहर डाल दिए थे तो बाहर सूख गए हैं। अभी मैं इनको तह बना के इसको अलमेरा के अंदर रखना है क्योंकि वो लगे हाथ ये सारे काम हो जाते हैं ना, सो सही रहता है, नहीं तो फिर वो पड़े ही रहते हैं। एंड मैं अभी वेट कर रही हूँ किसी के आने का। एक्चुअली आज हमारा प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का। बाहर मतलब लंच तो हमारा हो गया, हम लोग सोच रहे हैं डिनर पे कहीं बाहर जाएं। सो डिनर करने के लिए हम लोग बाहर जाएंगे और कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। सो मैं अभी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, उससे मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही मिलूंगी यहाँ दिल्ली आने के बाद। एक्चुअली वो पता है काफी टाइम से मुझे बुला रही थी, कब आ रही। एक्चुअली हम लोग घर चले गए ना तो फिर वो ही है ना कि उससे मिलना नहीं हो पा रहा था। वो आज मिलने के लिए आ रहे हैं दोनों, उसके हस्बैंड भी आ रहे हैं और वो भी आ रही है। सो हम फिर उसके बाद कहीं जाएंगे, वो ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसका ही वेट कर रही हूँ, वो आने वाली है। मेरे से बोल रही थी मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि यार हमारी यूट्यूब फैमिली ना थोड़ी बढ़ती जा रही है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीजें शेयर करूँ। एंड चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक, और आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे घर पे न्यू कपल्स आने वाले हैं, मतलब कि शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम ही आ रही है, पहले भी आ चुकी है बट शादी के बाद पहली बार आ रही है जीजू के साथ। सो मिलाएंगे आप लोगों को भी और उसके बाद फिर जाएंगे कहीं जहाँ में हम लोगों को जाना है। सो मैं ये देखो बातें करते करते मेरे कपड़े भी तय हो गए हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं, सो इनको रखती हूँ मैं अलमीरा के अंदर। सारे टॉय फैला के सो रहा है तो मैंने कपड़े तो रख दिए हैं अलमीरा के अंदर। एंड मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम लोगों को निकलना है और मुझे वीडियो भी अपलोड करके जाना है। सो मैं सबसे पहले ये सारे काम खत्म करूंगी एंड उसके बाद हम लोग गाड़ी में ही मिलेंगे। सो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से। एंड पता है हमने क्या प्लान किया था कि हम 4 बजे निकलेंगे और 4 बजे तो नहीं निकल पाए। एक बार बातें करने के लिए बैठ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला, तो 6 बजे हम लोग घर से निकले। सो शाम हो गई थी उस टाइम पर निकले, शाम होते होते फिर सोचा कि चलो ठीक है जाना ही तो है और खा के तो आना, लेकिन वो काफ़ी दूर था। मतलब ये जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जाते हैं ना तो रास्ते में पड़ता है, तो हम लोग जा रहे हैं आज मूरथल जा रहे हैं। तो मूरथल में मतलब जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो पराठों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो जगह। सो आज हम स्पेशली पराठे खाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। यहाँ तो सारे ढाबे हैं लाइन से। क्लीन? हाँ मुझे तो नहीं दिखता ये। अच्छा ये रखा दो रखे हैं। अच्छा रनवे वाला यार जिया जी, इसके अंदर चले क्या इस रनवे वाले में? अच्छा इसके अंदर बैठ के खाना खाते हैं क्या? रेस्टोरेंट है ये। फाइनली पहुंच गए हम लोग सुखदेव मूरथल। एंड भीड़ तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा हो रखी है। ये टाइम डिनर का है। इट्स नॉट आवर डेस्टिनेशन। दिन में भी ऐसी भीड़ रहती है इधर। ज्यादा ही भीड़ है यार आज तो। प्रियंका तो मेरी वीडियो बनाना, मैं ये वाली आइसक्रीम खाऊंगी, वो देता नहीं है ना बच्ची को। अच्छा वो वाली है। अरे सर एक बात बताओ, वहाँ से बोल रहे अंदर लगा लो, पार्किंग अंदर लगा लो, बाहर बोल रहे। उनको पता नहीं होता यहाँ खाली है या नहीं, उनको क्या पता। लगा जाओ, अभी एक गाड़ी निकली है ना, आप तो लगा सकते हो। एक गाड़ी तो लगा सकते हो। फाइनली हमको पार्किंग की जगह मिल गई। भीड़ है तो वो लोग कह रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए फाइनली मूरथल में। यहाँ पे ना इतनी भीड़ हो रही है, इतनी जरूरत से ज्यादा भीड़, पार्किंग में के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाके मैंने इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ देखी ना कि हम लोगों को आधे घंटे वहाँ पे खड़े रहने पड़ा। एंड फाइनली फिर उसके बाद हमको सीट मिली है। सो सीट मिलने के बाद फिर हमने अपने लिए पराठे ऑर्डर किए क्योंकि हम स्पेशली पराठे खाने के लिए आए थे। सो सबने ना अपने अपने मतलब जिसको जिस टाइप के पराठे चाहिए थे वो पराठे मंगाए। सो प्याज का, आलू का एंड गोभी का तो नहीं मिला था, एंड मिक्स वेज और पनीर का। सब ने अपने अपने लिए पराठे ऑर्डर किए एंड ढेर सारा वो पराठे के साथ में मक्खन था। सो मजा आ गया था, हम लोगों ने पराठा और मक्खन खाया एकदम पंजाबी, जो पंजाब तरफ खाते हैं ना एकदम वैसे वाले पराठे, एकदम ढेर सारा मक्खन एंड अच्छे वाले पराठे। तो स्टफिंग भर भर के एंड पराठे खा के तो सच में बहुत मजा आ गया था। सो यहाँ पे सब लोगों ने एक एक पराठा खाया एंड फिर हमको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पेट नहीं भरा। सो हम लोगों ने पता फिर क्या किया, फिर हमने थाली ऑर्डर की। थाली में भी फिर एक थाली में इतनी सारी चीजें थी ना, मतलब एक थाली ऑर्डर की थी और पराठे भी ऑर्डर किए थे, बट
थाली इतनी ज्यादा हो गई थी ना कि थाली का भी हमारा फिर खाना बच गया था। एंड थाली में भी बहुत सारी चीजें थी, तो दाल मखनी, पनीर मिक्स वेज, चावल, रायता, बहुत सारी चीजें थी। एंड फिर हम लोगों से इतना सारा खाना तो खिला नहीं, तो हम लोगों ने ना पैक करके घर लेके आ गए थे। हम लोगों ने सोचा रास्ते में अगर किसी जरूरतमंद को दे देंगे, बट कोई हमें फिर मिला नहीं, क्योंकि हम लोगों को काफी टाइम हो गया था वहां से निकलते, क्योंकि एक तो जैसे तैसे करके हम लोगों को सीट मिली, पहुंचे भी हम लोग लेट ही थे, तो घर आते आते हम लोगों को 12-1 बज गया था। सो हम लोगों को फिर रास्ते में कोई नहीं मिला, तो हमें सारा खाना जो पैक करवाया हुआ था वो घर लेके आ गए थे, और फाइनली पराठे खा के मज़ा आ गया। हम मतलब वही है ना, जिस काम के लिए निकलो अगर वो उस चीज़ में मज़ा आ जाए ना तो अच्छा लगता है। सो फाइनली हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जा रहे हैं घर, डिनर हो गया है, एंड डिनर में हमने पता ही बहुत एंजॉय किया, मौसम भी अच्छा हो गया, एकदम ठंडी ठंडी हवा। अब जा रहे हैं हम लोग घर डिनर करने के बाद। ओए रुको, अरे मुझे भी तो देखा करो, मुझे छोड़ के चल दिए। बाय बाय सुखदेव रावा, मजा आएगा पराठे खा करके। रात के टाइम पे ना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे लाइन से एकदम ढाबे है ना, और सारे ढाबे इतने अच्छे से सुंदर डेकोरेट थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे रात के टाइम पे ना। लाइटिंग अच्छी लग रही है। सुन तो सही, मैं ये बोली तू आएगी कब दोबारा? तू आएगी ना? चले। सो ये लोग चले गए हैं, एंड इसने आपको ऑफिस जाना था तो वो लोग चले गए। एंड यहाँ पे ना रात से बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है, यहाँ बालकनी से बाय कर रहा है उसको।